नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। प्रदेश 3 के पहल प्रदेश सभा अधिवेशन संपन्न, सभा मुख चयन के लिए माघ 27 गते बैसार बैसक। बलात्कार प्रकरण में संलग्न के संरक्षण देने प्रमाणित भेल त कसूरदार सब पर कार्रवाई करे के प्रतिबद्धता, IGP अरियाल के प्रतिबद्धता। 15 दिन में चोरी नहीं रुकल, ललितपुर में ब्लैकआउट होब के विद्युत प्राधिकरण के अल्टीमेटम। प्रधान न्यायाधीश पराजुली आतंक मचौने डॉक्टर KC के आरोप, नागरिकता सहित कागज पत्र के सूचना उपलब्ध कराब मांग। आ पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी एवं रसूल NBA हीरो बटलर आ हुनक कनिया लिया लेवल के कार दुर्घटना में निधन। आप समाचार विस्तार सब। प्रदेश नंबर 3 के सभा मुख चयन के लिए यह माघ 27 गते निर्वाचन के मिति तो कैल अच्छ। आई बैसल प्रदेश नंबर 3 के पहल बैसार से सभा मुख चयन के लिए यह माघ 27 की मिति तय कैल गेल अच्छ। अध्यक्ष डोरमणि पौजेल प्रदेश सभा संचालन अंतरिम नियमावली 2074 के दफा 6 के उपदफा 1 बमोजिम सभा मुख्य निर्वाचन के लिए माघ 27 गते दिन के 3 बजे समय तोकने छथि। प्रदेश सभा संचालन अंतरिम कार्यविधि 2074 के बहुमत से पारित केने छल। वही कार्यविधि के दफा 5 के उपदफा 3 बमोजिम सभामुख के अनुपस्थिति में कार्य संचालन करक लेल रामेश्वर फयाल, शोभा साकी, गीता वागले सहितक 4 गोटे सदस्य सेहो बैसार चयन केने अछि। दोसर बैसार माघ 27 गते के लेल तोकल गेल अछि। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 2 दिनक नेपाल भ्रमण के लिए आई नेपाल आबि रहल अछि। ओ वायुसेना के विशेष विमान मार्फत आब एखन किछु काल के बाद नेपाल आब लागल छथि। काठमांडू अयलाक बाद ओ राजनीतिक भेंटवार्ता करके बताओल गेल अछि। श्रोतक अनुसार ओ शुरू में एमाले अध्यक्ष KP शर्मा ओली के भेंट करके तैयारी केने छथि। स्वराज आई माओवादी केंद्रक अध्यक्ष प्रचंड आ मधेश केंद्रित दलक नेता संग सेहो छलफल करके तैयारी अछि, मुदा भेंटवार्ताक समय आ स्थान तय नहीं भ चुकल छैक। शुक्र दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी आ प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा संग भेंटवार्ता के कार्यक्रम निर्धारण कैल गेल अछि। शुक्र दिन ओ पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन सेहो करती। शुक्र दिन दोपहर 4 बजे ओ स्वदेश घूर के कार्यक्रम सेहो रहल अछि। नेपाल में वाम गठबंधनक नेतृत्व में सरकार गठन होब के परिस्थिति निर्माण भ रहल समय होब लागल भारतीय विदेश मंत्री के भ्रमण के अर्थपूर्ण रूप में देखल जा रहल अछि। कतेको गोटे स्वराज मोदीक संदेश लऽ कऽ नेपाल आबि रहल बता रहल अछि। भारतीय विदेश मंत्रालय बीतल सोम दिन एकटा विज्ञप्ति जारी करैत विदेश मंत्री स्वराज 2 दिन में नेपाल भ्रमण के लेल नेपाल आब लागल जनौने छल। भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में दू देश बीचक संबंध के थप प्रगाढ़ बनाब भ्रमण होब लागल उल्लेख कयल गेल अछि। प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अरियाल दरबार मार्ग के एकटा होटल में भेल बलात्कार प्रकरण में संलग्न के संरक्षण देने प्रमाणित भेल त कसूरदार सब ऊपर कार्यवाही करे के प्रतिबद्धता व्यक्त केने छथि। प्रहरीक संलग्नता में बलात्कार प्रकरण में संलग्न दोषी या पीड़ित बीच मिला पत्र भेनाई कोनो अवस्था में उचित नहीं होब के कहे तो महिला अस्मिताक विषय कतौ मिला पत्र के विषय बनाव नहीं हेबा पर जोर दिलन। आई भिनसर नवनिर्मित महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबार मार्ग के कार्यालय तथा व्यारिक भवन के समुद्घाटन समारोह के संबोधन करे तो नया बनल सुंदर भवन में असुंदर काज भेल खबर एनाई पूरा प्रहरी संगठन के निष्ठा आ आचरण में प्रश्न उठौने दिस गंभीर बन मातहत के निर्देश दलन। ओ मिला पत्र में संलग्न किछ अधिकृत निलंबन भ चुकल आ किछ अनुसंधानक चरण में रहल सेहो उल्लेख केलन। दिन प्रतिदिन प्रहरी कार्य जटिल एवं चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा हामीले हाम्रो व्यवहारमा प्रहरी आदर्श र उच्च व्यावसायिक निष्ठालाई समाहित गर्न सक्नुपर्छ। राजधानीको केन्द्रमा रहेको यो कार्यालय आम नागरिकको सहारा बन्न सक्नुपर्छ। यसो भनिरहँदा अहिले तयार भएको यो सुन्दर भवनमा असुन्दर काम भएको सूचना हामीले पाएका छौँ। यदि त्यो कसुर प्रमाणित भएमा भएका कसुरदारहरू कानुनी रूपमा सजायको भएकी हुनेछन्। महिला अस्मिताको विषय कतै मिलापत्रको विषय हुनु हुँदैन। यस घटनासँग सम्बन्धित हुन सक्ने प्रहरी अधिकृतहरू कुनै निलम्बन भइसकेको र अन्य निलम्बित हुने प्रक्रममा छन्। यदि कसुरदार प्रहरीमा कडाभन्दा कडा सजायको भागीदार हुनेछन् भन्ने कुरा म आज यस फोरममा पनि भन्न चाहन्छु। किनभने नयाँ प्रविधि, नयाँ सोच, नयाँ आवश्यकता अनुसार
प्रहरी महानिरीक्षक गरियाल अविचलित भकर राज्य दिने जिम्मेवारी पूरा कर सब यूनिट माथहतकी निकाय ओतबे सजग आ सतर्क होब पड़वाक उल्लेख कलन। दरबार मार्ग प्रहरी वृत्त में गलत काज भेल प्रमाणित भेल तो ओके सुपरिवेक्षण कर के ऊपरका यूनिट सब से गलत होब के कहे तो जिम्मेवार भक प्रस्तुत होब सबके निर्देशन देने छथि। राष्ट्रले सुम्पेको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कुरामा सतत प्रयासरत रहनुपर्छ। यसै क्रममा यस युनिटलाई हेर्ने, यस युनिटको सुपरभिजन गर्ने अन्य माथिका युनिटहरू पनि यस्ता किसिमका गलत गतिविधिहरूप्रति आफू जिम्मेवार रहनुपर्छ। सुपरभिजनमा रहेका सबै प्रहरी निकायलाई पनि म सतत रूपमा निर्देशन के दिन चाहन्छु भने आफू अन्तर्गतका हरेक प्रहरी गतिविधिको जिम्मेवार त्यसलाई करेक्सन गर्ने, त्यसको अनुगमन गर्ने, आवश्यक पर्दाखेरि सपोर्ट गर्ने, खराब कुरामा त्यसको कारबाही गर्ने जिम्मेवार पनि माथिका सुपरभिजन युनिट पनि रहनुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँ सबैलाई निर्देशन दिन चाहन्छु। सात करोडकी लागतमा नेपाल सरकारक नव निर्मित बजेट द्वारा उक्त भवन निर्माण कयल गेल अछि। त्रिवर्षीय योजना 2070 अंतर्गत बनाओल गेल ओहि भवन में पूर्व निर्धारित समय से एक वर्ष अबेर निर्माण सम्पन्न भेल अछि। विद्युत कटौती ब्लैकआउट करके बताओल गेल अछि। संगठित रूप में विद्युत चोरी भ रहल क्षेत्र में ब्लैकआउट कर लागल प्राधिकरण जनौलक अछि। प्राधिकरणक कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिंग ललितपुर के विभिन्न क्षेत्र में वर्षों से संगठित रूप में विद्युत चोरी भेल बता रहल छथि। संगयो ललितपुर के विद्युत चोरी होय वाला विभिन्न क्षेत्र के उपभोक्ता के चोरी नहीं करा केने केलक त ओहि के 15 दिन भीतर हटाब आग्रह केने अछि। ललितपुर के भीतरी शहरी क्षेत्र पड़े वाला पाटन स्थानीय फीडर अंतर्गत लुखुसी चैसल मंगल बाजार इखालखु धालाछे सौगल दुपाट पिंछे पिलाछे सहितक क्षेत्र में बेसी विद्युत चोरी भ रहल अछि। गोदावरी दिस विद्युत आपूर्ति होय वाला फीडर अंतर्गत हरिसिद्धि गुहिटोल ठैब वाड़ेगांव लुभ जाने फीडर अंतर्गत सानागांव सिद्धिपुर लुभ बाजार लाकुरी भंज्यांग में विद्युत अत्यधिक चोरी भ रहल अछि। तहिना कऽ चापागाँव जाय वाला फीडर अंतर्गत पड़े वाला सुनाकोठी ठेचो लेली चापागाँव सहितक क्षेत्र के वासी सब संगठित रूप में विद्युत चोरी केने देखायल तऽ ओहिके बाद नियंत्रण कर ब्लैकआउट कर लागल घिसिंग जानकारी देने छथि। ओहि क्षेत्र में असत विद्युत चोरी 50% अछि। प्राधिकरण चोरी कारण ओहि स्थान सब से मात्र वार्षिक करीब 50 करोड़ रुपया राजस्व गुमा रहल अछि। चोरी का प्रयोग कयल गेल विद्युत असुरक्षित भेला से पैघ दुर्घटना सेहो होब संभावना ओतबे प्रष्ट रहल प्राधिकरण जनौलक अछि। विद्युत वितरण लाइन से हुकिंग करय वाला मीटर नहि राख वाला राखने मीटर सेहो उल्टा राख वाला मीटर में भूर कऽ कऽ काटी ठोकि कऽ घुमा देब वाला कर्मचारी के मीटर रीडिंग करय नहि देब के सहितक काम संगठित रूप में भ रहल प्राधिकरण लगनखेल वितरण केन्द्र के प्रमुख वीरेन्द्र सिंह बता रहल छथि। प्राधिकरणक अनुसार चोरी नियंत्रणक लेल विद्युत वितरण के नंगा तार के सट्टा माइन्सुलेटेड एवीसी केबल परिवर्तन करय के सड़क बत्ती मिलाब के ट्रांसफार्मर परिवर्तन करय के सहितक काज व्यापक रूप में भ रहल अछि। चोरी नियंत्रण के लेल कार्यकारी निर्देशक घिसिंग अपने अग्रसर भ कऽ अभियान में सहयोग के आग्रह करैत ललितपुर महानगर पालिका के मेयर बाबू महर्जन प्रमुख जिलाधिकारी महादेव पंत प्रहरी प्रमुख संग छलफल कर रहल छथि। प्राधिकरण उपभोक्ता के सेहो विद्युत चोरी नहीं कर आ कयल गेल पता लागल त कानूनी कार्यवाही कयल जाय के चेतावनी दैत पोस्टर साटक के माइकिंग सहित जनचेतनामूलक कार्यक्रम सब संचालन कर रहल अछि। विद्युत चोरी नियंत्रण के आक्रामक कार्यक्रम सब संचालन कयल जाय के सेहो घिसिंग जानकारी देने छथि। अखाधर में प्राधिकरणक प्रणाली में 22.9% विद्युत चुहावट अछि। चालू आर्थिक वर्ष में एहि के घटाकऽ 20% में लावे के लक्ष्य तय कयल गेल अछि। 3 वर्ष भीतर में प्रणाली में रहल चुहावट के 15% में लावे के लक्ष्य रहल प्राधिकरण जनौलक अछि। प्रणाली में रहल चुहावट में से वितरण दिस रहल 16.82 के चुहावट के चालू आर्थिक वर्ष में 3.64% से घटाकऽ 13.18% में लावे के प्राधिकरणक लक्ष्य रहल अछि। आप समाचार में विश्राम प्रधान न्यायाधीश पराजुली आतंक मचवाने डॉक्टर केसी के आरोप। जनकपुरक राम्स पब्लिक फार्मेसी प्राइवेट लिमिटेड पुनः संचालन कराब फोरम नेपालक मांग।
अपूर्व बास्केटबल खिलाड़ी एवं रसूल एनबीए हीरो बटलर हुनक कनिया लिया लेवल के कार दुर्घटना में निधन। विश्रामबाद समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार। चिकित्सक डॉक्टर गोविंद केसी प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली राजनीतिक संरक्षण में आतंक मचवाने आरोप लगौलने। जिला प्रशासन कार्यालय काठमांडू परिसर आगा संचारकर्मी संग बात करे तो प्रधान न्यायाधीश पराजुली राजनीतिक संरक्षण में आतंक मचवाने आरोप लगौने सहित ओ प्रधान न्यायाधीश पराजुली के हत्यारा के आरोप से लगौलन। प्रधान न्यायाधीश पराजुली विवादित नागरिकता प्रमाण पत्र एवं शैक्षिक प्रमाण पत्र लगायत के संपूर्ण सूचना उपलब्ध कराब के मांग करत निवेदन दर्ता करा के बाहर निकल रहा डॉक्टर केसी प्रधान न्यायाधीश के राजनीतिक दल सब ठेका देने दावी कलन। पराजुली दुट्टा नागरिकता लेने आ अई घटना के बाद मोन वैष्णाई से सब लूटतंत्र में सहभागी के विषय प्रमाणित केने वो ठोकवा केने छथि। पार्टी के नेताहरु पार्टी के सबै पार्टी का नेताहरु बोलेको बोलेको खै त किन बोल्दैन भन्ने कि यी सबै पार्टी का कार्यकर्ता हुन् अनि इनहरुकै मार्फत उनीहरुले चाहिँ के रे भ्रष्टाचार गर्ने हुन् पार्टी कोही बोलेछ भने मतलब के हो यो लूटतन्त्र मचाइरहेको छ यो के रे उसले र यो त्यो मात्र हैन कि यो चाहिँ मर्डरर हो यो प्रधान न्यायाधीश हत्यारा हो हत्यारा भनेपछि प्रधान न्यायाधीश अनि यो यो स्थितिमा ठुल्ठुलो पार्टीका नेताहरू चुपलाएर बस्छन् भने मतलब के भनेदेखि उनीहरू पनि लूटतन्त्रमा लूटतन्त्रमा त्यत्तिकै सहभागी छन् र उसलाई उसलाई चाहिँ के अरे त्यो केको दिइरहेका छन् सारा लूटतन्त्र गर्नलाई। अपन मुद्दा के वकालत कर रहल वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर सुरेंद्र भंडारी के प्रधान न्यायाधीश पराजुली मार के धमकी देने दावी डॉक्टर गोविंद केसी कलन। बुध दिन डॉक्टर भंडारी अपना ऊपर मार के धमकी आयल कहित प्रशासन में सुरक्षा के मांग करित निवेदन दर्ता करौने छलथि। संपादन करवला के सम्मान कर के उल्लेख करित न्याय बिक्री करवला विरुद्ध सदैव लड़ के स्पष्ट कलन। ओ पराजुली के समर्थन में आवला फैसला के अपने नहीं मान के सेहो स्पष्ट कने छथि। स्वास्थ्य मंत्री दीपक बोहरा संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तह से स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर सकबाक ढंग से व्यवस्थापन के तैयारी कर रहल बतौलने। स्वास्थ्य मंत्रालय काठमांडू के एक होटल में दात्री निकाय संघ के दू दिनक वार्षिक संयुक्त समीक्षा बैसार के उद्घाटन करित मंत्री बोहरा स्वास्थ्य सेवा सेहो प्रदेश आ स्थानीय निकाय से जनता प्राप्त केने बतौलने। ओ मंत्रालय सदैव गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाक लेल प्रतिबद्ध रहल सेहो उल्लेख कलन। Thank you. The local governments are mandated by the constitution to provide basic health service. However, it is the responsibility of all of us to make them resourceful. Health is a multi-dimensional sector. I believe that federal structure of governance has made it easier to establish health as a development agenda in the local level. In the process of implementing the federalism in health, the service delivery structure of health is already prepared and endorsed. The governance structure of health in the federal context is being prepared and discussed with relevant agencies. Similarly, other elements in the context of implementing federalism are going on. बैसार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आय धरि भेल उपलब्धि करबा की काज आ देखाय द रहल चुनौतीक विषय में छलफल भेलै छ। समीक्षा बैसार काल धरि चलत। स्वास्थ्य क्षेत्र के कुल बजट में 80% नेपाल सरकार आ 20% दात्री निकायक लेल लगानी रहल मंत्रालय जनौलकै छ। जनकपुरक राम्स पब्लिक फार्मेसी प्राइवेट लिमिटेड पुनः संचालन कराब फोरम नेपाल माग कलकै छ। नेपाल औषधि व्यवसाय संघ के विरोध में दू दिन पहिने प्रदेश सभासद ज्ञानेन्द्र यादव के नेतृत्व में प्रमुख जिलाधिकारी समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाल गेल छल। मुदा तैयो घटनाक विषय में पहल नहीं भेलाक बाद बुध दिन प्रजीय समक्ष अनुसंधान प्रक्रिया आगा किया ने बढ़ाओल गेल कहित फोरमक नेता ज्ञानेन्द्र यादव प्रश्न रखने रहित। जवाब में प्रजीय चापागाई हम सब प्रतिवेदन पला के बाद कार्यवाही आगा बढ़ाव आ राम्स पब्लिक फार्मेसी प्राइवेट लिमिटेड के पुनः संचालन कराब के बतौने रहित। ये राम फार्मेसी के जे औषधि आपूर्ति बंद कयने छै ओई के विपक्ष में हम सब एठाम सीडीओ कार्यालय ने प्रतिवेदन देने रही एठाम
सीडीओ कार्यालय ने हम सब ऐसा पहिने ज्ञापन पत्र देने रही आ 24 घंटा ने समस्या समाधान करब से कहने रही, लेकिन दू दिन भ गेला के बावजूदो नहीं भेल छे। तो वही के लक हम सब सीडीओ कार्यालय ने फेर आयल छली डेरिगेशन लग, अखन सीडीओ साहब के कहे अनुसार कि आई बेर तक प्रतिवेदन हमरा सब के चल आयत, आ वही प्रतिवेदन अनुसार हम सब राम फार्मेसी के तुरंत अहाँ के जे रुकल छे औषधि आपूर्ति रुकल छे ओकरा सुचारू करायब, आ जे ओकरा जे किस्म से मानसिक दबाव भेट रहल छे ओकरा मानसिक समस्या सब भ रहल छे ओहि के लागि हम तुरंत अपन ओकरा ते सहयोग करबे, आ ओहि ढंग से वो न्याय पते, आ जे गलत कर रहल छे जे अहाँ के कालाबाजारी कर रहल छे ओकरा सब के हम सब अहाँ के कानून के कटघेरा ने खार करब, से क्योंकि अखन तक हमरा सब के प्रतिबद्धता दिलक वही प्रतिबद्धता अनुसार काल हम सब आशा रखे छी कि काल तक ई समस्या समाधान हो। स्मरणीय अछि जे जनकपुरक अस्पताल रोड में रहल ओ संस्था सस्ता दर में गुणस्तरीय दवाई बिक्री कला के बाद दोसर के व्यवसाय में ह्रास आयल कहैत नेपाल दवाई व्यवसाय संघ दुकान संचालन में रोक लगौने अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी एवं रसूल एनबीए हीरो बटलर हुनक कनिया लिया लेवल के कार दुर्घटना में निधन भेल अछि। 38 वर्षक बटलर रेंज रोवर कार चला रहल छलैत, मुदा हुनक कार नियमित सँ 2-3 गुना तीव्र गति में छल। अनियंत्रित कार पार्किंग मीटर के ठोकला के बाद देवाल में बहुतो बेर ठोकरायल छल। बटलर विभिन्न क्लब सँ एनबीए में खेलने छलैत। हुनक कनिया 31 वर्षक लिया गायिका छथि जे 2004 में हुनका संग विवाह भेल छल। प्रदेश 3 के पहल प्रदेश सभा अधिवेशन सम्पन्न, सभामुख चयन के लिए मार्च 27 गते बैसार बैसत। बलात्कार प्रकरण में संलग्न के संरक्षण देने प्रमाणित भेल तो कसूरदार सब पर कार्रवाई कर के आईजीपी अरियाल के प्रतिबद्धता। 15 दिन में चोरी नहीं रुकल तो ललितपुर में ब्लैकआउट होबे के विद्युत प्राधिकरण के अल्टीमेटम। प्रधान न्यायाधीश पराजुली आतंक मचौने डॉक्टर केसी के आरोप, नागरिकता सहित कागज पत्र के सूचना उपलब्ध कराब मार्ग। आ पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी एवं रसूल एनबीए हीरो बटलर हुनक कनिया लिया लेवल के कार दुर्घटना में निधन। बेस्त अखन के लिए अपन समाचार अतबे, पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहो। नमस्कार।